हाय नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर एक नई नोटिफिकेशन के साथ आए हैं। आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कैसे है, क्या है डिटेल। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए उस नोटिफिकेशन को देखेंगे, और जो भी नए जुड़े हुए वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन है, ये आई हुई है ECIL कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, अंदर में आती है। और ये मेल आईडी दी गई है, और ये फ़ोन नंबर आप लोग कोई भी कोई डॉट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ECIL इज ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप एट द ECIL हैदराबाद अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। डिटेल है, ठीक है। तो पोस्ट के बारे में हम बताते हैं आपको। तो ये इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए टोटल जो है 30 पोस्ट है, जिसके लिए टोटल पोस्ट हम बताएंगे सिर्फ, और सैलरी के बारे में और किसके लिए कितना है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 70 पोस्ट है टोटल, फिटर के लिए 65 पोस्ट है, RA एंड AC के लिए 7 पोस्ट है, MMB के लिए 1 पोस्ट है, टर्नर के लिए 10 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 3 पोस्ट, MM टूल मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट है, कोपा ब्रांच के लिए 16 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट है, प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट है, SMW के लिए 2 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 15 पोस्ट है, और पेंटर के लिए 5 पोस्ट है। मतलब टोटल पोस्ट की संख्या जो है 243 पोस्ट है, जिसके लिए सैलरी स्टाइपेंड जो रहेगी, कंसिलेटेड स्टाइपेंड पर मंथ जो रहेगी, एक से लेकर के ओ 9 तक में जो है 8500 रुपये मिलेगा। ये सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक में जो भी ट्रेड्स वाले हैं उनको जो सैलरी जो मिलेगी 8050 रुपीज़ मिलेगी पर मंथ, और 10 से लेकर के 16 तक में जितने भी कैंडिडेट है उन लोगों को 7700 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी। उसके बाद आगे देख सकते हैं, 10 सीट वुड बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर PWD, 10 सीट जो है इसमें से हैंडीकैप के लिए रिजर्व है, ठीक है। और उसके बाद एज जो रखी गई है 18 वर्ष रखी गई है, से लेकर के 25 साल तक रखी गई है, OBC के लिए 28 साल और SC ST के लिए 30 साल रखी गई है मैक्सिमम। तो अप्रेंटिसशिप पीरियड जो है 1 साल के लिए रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ITI पास सर्टिफिकेट चाहिए, NCBT सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है। उसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगी, इसका मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके हिसाब से ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आगे जो है वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर CLDC नालंदा कॉम्प्लेक्स TIFR रोड हैदराबाद, पिन कोड दिया गया है 500062। तो ये प्लेस है, वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहेगी। आप लोगों को आगे नोटिफिकेशन हम बता दिया करेंगे जब जब आएगा। तो जनरल कंडीशन जो है इसमें आप लोग पूरे डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। जो भी है हम इसका ये PDF जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ जा करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस पर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा ही बात जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड इंश्योर दैट ही/शी हैज फुलफिल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द पोस्ट अप्रेंटिसशिप स्टेटेड इन एडवर्टाइजमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। दैट मीन्स कि अगर आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है सारा चीज़, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं इसमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट को आप लोग लगाते हैं, तो ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, आपका जो है apprenticeshipindia.com पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से होती है, ठीक है। उसके लिंक पर जा करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को सारा डिटेल देखने के बाद मेल आईडी और आपके पास मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ऑन होना चाहिए और काम करता हो तो ही आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ देख सकते हैं, ए फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल असिस्टेंट सर्जन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाई द सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जो भी ज्वाइनिंग करेंगे उस समय आपको एक सिविल सर्जन से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, और आप लोग बनवा लीजिएगा। ओनली रेसिडेंट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये जो है सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना स्टेट वालों के लिए ही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लास्ट में दिए हुआ है यू में, ठीक है। ओनली रेसिडेंट्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है।
उसके बाद कैसे अप्लाई करना है यहाँ देख सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु पास द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन द वेबसाइट ऑफ दिस वन मिनिस्ट्री MSME MSC MSDE के वेबसाइट पर जाकर के आप लोग पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है कि उस स्टूडेंट को फिर से जा कर के आपको इनरोलमेंट नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से इसके करियर सेक्शन में जाइएगा। करियर सेक्शन में जाने के बाद ई रिक्रूटमेंट सेल में जाइएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ पेज खोल करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन MSDE अप्रेंटिसशिप पोर्टल आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ECIL वेबसाइट एज मेंशन अबव एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन ECIL वेबसाइट शैल ओनली बी एक्सेप्टेड एंड कंसीडर। दैट मीन्स जो भी लोग MSDE पे पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लोग वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाएंगे और इसका जो ये ECIL का है उस पे जा करके आप लोग उसमें नंबर डाल देंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ये जो है अप्लाई स्टार्टिंग जो है 2 सितंबर 2021 से, मतलब कि 2/9/2021 से लेकर के 16/9/2021 तक रहेंगे, मतलब 16 सितंबर 2021 तक ही रहेंगे। तो आप लोग जो भी है इंटरेस्टेड है वो लोग जा करके अप्लाई कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी पहली बार जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो अप्लाई कर लेंगे उसको आप लोग प्रिंट आउट ले लेंगे। उस प्रिंट आउट को आप लोग को जो भी सीरियल नंबर मिलेगा वो फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा और उसको रखे रहिएगा। जब इसका सिलेक्शन होगा उस समय आप लोगों को उसमें पता लगेगा कि कौन सा मेरा नाम है या नहीं है, उसमें पता लग जाएगा शॉर्ट लिस्टेड में। आगे देखते हैं, ये सारा डिटेल हो गया। उसके बाद कहता है द कैंडिडेट हैज़ टू क्विट हिज हर सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर इन ऑल फ्यूचर कोर्समेंट। ओके, वही बात जो बोले हैं, इसमें कोई भी DA नहीं दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद आप लोगों को आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं, हम बता ही दिए हैं। 2 सितंबर 2021 से शुरू हुई है और ये 16 सितंबर 2021 तक चलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी, 25 सितंबर 2021 तक ख़त्म हो जाएगी। ज्वाइनिंग डेट जो रहेगी 10 अक्टूबर, अक्टूबर 2021 से 9 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगी और ट्रेनिंग स्टार्ट जो होगा 15 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगी। तो आप लोग सारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी एलिजिबल है वो लोग अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कॉशन टू ऑल कैंडिडेट, सम अनस्क्रिप्शनल एलिमेंट्स में अप्रोच यू विद द एश्योरेंस ऑफ प्रोकरिंग अप्रेंटिसशिप टू यू इन ECIL थ्रू इलीगल ग्रेटिफिकेशन। अगर किसी तरह का आप लोग गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं या फेक तो आपको डिसक्वालीफाई कर सकती है उसके ऊपर, ठीक है। नोट है कि इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन विल बी गेटिंग देन पब्लिश ओनली ऑन आवर वेबसाइट ECIL.co.in पर जाएंगे और करियर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था, कब पब्लिश हुआ, 2 सितंबर को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉरवर्ड कीजिए। ये था पूरा इन्फॉर्मेशन ECIL के बारे में, शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को बता दिए हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम फॉर्म फिलअप करके भी बता देंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही था, फिर आप लोगों से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।